सो व्हाट इज गाउट? गाउट क्या है? गाउट एक तरीके का आर्थराइटिस है. आर्थराइटिस मतलब आपके जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स उसमें इन्फ्लेम हो रहे हैं और सूज रहे हैं, लाल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं गाउट की वजह से. पर ये गाउट होता कैसे? ये गाउट होता है जब यूरिक एसिड आपके खून में ज़्यादा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, और यूरिक एसिड आपके खून में ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. तो यूरिक एसिड जब जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है तो वो इन्फ्लामेशन करता है आपके जॉइंट्स में. और इन्फ्लामेशन का मतलब वहाँ पे आपके साइटोकाइंस और ऐसी कोई चीज़ जो चोट लगने के बाद होती है वो वहाँ वैसी हो जाती है. सो इन्फ्लामेशन वहाँ चोट लगने के जैसे इन्फ्लामेशन पैदा हो रही है, साइटोकाइंस आ रहे हैं, सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, और आपको आर्थराइटिस होगा, हड्डी भी खराब होगी गाउट में. सो ये दो तीन तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट का मतलब, एक्यूट गाउट का मतलब जो बहुत ही पेनफुल होता है, पेनफुल कंडीशन जिसमें के एक पर्टिकुलर जॉइंट में ज़्यादा दर्द होता है. ज़्यादातर इस केस में जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो है आपका बिग टो, अंगूठा पैर का, वो ज़्यादा. और क्रोनिक गाउट का मतलब है कि ऐसी चीज़ रिपीटेडली हो रही है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ पेन, बिल्कुल ऐसे वो चीज़ बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, करेक्टेड नहीं है, अनकरेक्टेड है. ऐसे केस में आपको एक से ज़्यादा जॉइंट्स में दिक्कत हो सकती है. एक्यूट गाउट ज़्यादातर एक जॉइंट, और क्रोनिक गाउट मल्टीपल जॉइंट प्रॉब्लम्स आते हैं. पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉजेज, क्या रीज़न है? यूरिक एसिड बढ़ गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज़. हायर देन नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में है. आपकी बॉडी या तो यूरिक एसिड ही ज़्यादा बना रही है, वो क्यों बनाएगी? कई सारे रीजंस हैं. अल्कोहल ज़्यादा लेने वालों में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, हाई प्रोटीन डाइट लेने वालों में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, या फिर अगर आपकी बॉडी को यूरिक एसिड निकालने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बॉडी के अंदर से गेटिंग रिड, एलिमिनेट करने में दिक्कत हो रही है, किडनी में इशू है, तो भी ऐसा हो सकता है. सो यूरिक एसिड एक बिल्डअप होता है तो आपको गाउट होता है. गाउट से आपके जॉइंट के जो फ्लूइड है, जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड है, आपने सुना होगा जॉइंट में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है यूरिक एसिड, और वहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होकर डिपॉजिट होने लगता है, और साइनोवियल फ्लूइड की जो वो है उसकी जो फ्रिक्शन कम करने की कैपेबिलिटी है वो कम करता है. और वहाँ मान लीजिए आप अगर वहाँ पे कहीं फ्लूइड में फ्रिक्शन वाली जगह पे, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वहाँ कंकर आ जाएगा या क्रिस्टल आ जाएगी, तो वहाँ तो फ्रिक्शन होगा ही, तो वहाँ दर्द होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वार्म्थ होगा, गर्म गर्म होगा. तो ये है गर्म गर्म आपके जॉइंट्स, गर्मा गर्म टॉपिक, आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस. The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, पसंद आ रहा है टॉपिक तो लाइक बटन दबा दीजिए और आगे बढ़ते हैं. तो एग्जैक्ट एक रीजन नहीं है इस चीज का. यूरिक एसिड बढ़ना, गाउट होना, ये कई बार जेनेटिक भी होता है, फैमिली में चला आता है, कईयों का होता है. ज़्यादातर ये मेन आदमियों में ज़्यादा होता है, विमेन में थोड़ा कम होता है. विमेन में ज़्यादा होता है मीनोपॉज के बाद, एक उम्र के बाद जब उनका महीना यानी बंद हो जाते हैं. और जो लोग दारू पीते हैं उनमें तो बहुत कॉमन है, दारू पीने वालों में बहुत ही कॉमन है. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गाउट कॉमन होता जाता है ज़्यादातर. और किन लोगों में होगा? डायबिटीज़ जिसको है, किडनी डिजीज जिसको है, ओबेसिटी, सिकल सेल डिजीज या एनीमिया, खून की कमी, या फिर ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसको है, उनको ये गाउट वाली बीमारी ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, यूरिक एसिड बढ़ने के. गाउट आपका कई प्रकार की दवाओं से भी हो सकता है. कुछ दवाओं इंटरफियर करती हैं यूरिक एसिड के रिमूवल पे, कि कुछ दवाएं हैं यूरिक एसिड को सही मात्रा में जल्दी जल्दी निकालने में नहीं दे रही, तो आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. देन कुछ ऐसी दवाएं जो यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं वो है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स. ये एक डायूरेटिक हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए कई बार दी जाती है, हार्ट डिजीज़ के लिए दी जाती है, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है. सो इन लोगों को जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उनको भी यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं.
सो देखिए कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमें करेक्शन सब जगह करना पड़ेगा। लेकिन करेक्शन से पहले अपने अंदर झांक के देखना होगा कि क्या मुझे गाउट है। अगर मुझे गाउट है, अगर मुझे यूरिक एसिड हाई है, तो क्या कोई सिम्टम नहीं आएगा? आएगा। आपको क्या सिम्टम आएगा? पहला सिम्टम आएगा कि एक या एक से ज़्यादा जॉइंट आपके आपके जोड़ों में दर्द शुरू होना होगा। ज़्यादा सबसे कॉमन होता है आपके बड़ी अंगूठे में, आपके पैर के बड़े अंगूठा जो एक ही अंगूठा है पैर का अंगूठा, और नी घुटने में हो सकता है, एंकल में हो सकता है। ये सबसे कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स हैं। और कई बार ये जॉइंट्स का जो पेन है ये एकदम से शुरू होता है, सडनली शुरू होता है धीरे धीरे, जैसे रात में, और धीरे धीरे पेन बढ़ता जाता है। ज़्यादातर ये थ्रॉबिंग पेन होता है, जैसे किसी ने टोंग थ्रॉबिंग क्रशिंग या एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है ये चीज़ों में। और जॉइंट में आपके जो जोड़ होगा वो गर्म फील होगा, लाल फील होगा, कई बार दबाने से दर्द होगा, सूजन टेंडर हो सकती है, हिलने डुलने से दिक्कतें हो सकती है, आपको बुखार तक हो सकता है। और साथ ही ये एक तरीके का अटैक होता है, गाउट अटैक, गाउटी आर्थराइटिस का एक्यूट अटैक। ये कुछ दिन चलता है, कुछ दिन तक बहुत दिक्कत होती है, और उसके बाद ये थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है, कई बार ठीक हो जाता है, और कई बार ये वापस बार बार आ जाता है। यही चीज़ होती है क्रोनिक गाउट में, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, राइट? ऐसी ही लॉन्ग टर्म अटैक्स होता है क्रोनिक गाउट में। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि पहले गाउट अटैक में कोई सिम्टम नहीं आ रहा और दूसरे अटैक्स में बाकी दिक्कतें आ रही हैं। आगे कई बार अटैक 6-6 महीने 12-12 महीने के बाद भी आ सकते हैं, रिमेंबर। और जिनको क्रोनिक गाउट होता है, गाउटी आर्थराइटिस जिसको होता है, उस कंडीशन में जॉइंट एक्चुअल डैमेज हो गया है और मसल या मोशन जो बोलते हैं, जॉइंट का जो मोशन है उतना मोशन लॉस हो रहा है, कि जॉइंट जितना मूव कर सकता था अब उतना मूव ही नहीं कर पा रहा है, मोशन लॉस हो रहा है। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट वो मोशन पैर में या घुटनों में या नीज में होगा। सो मोशन लॉस हो सकता है आपके जॉइंट में, और जिनको क्रोनिक गाउट है उनको जॉइंट पेन और बाकी सिम्टम्स बीच बीच में आते रहेंगे। हो क्या रहा है, आपके जॉइंट्स में आपके यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है। ये यूरिक एसिड आपके स्किन के नीचे भी डिपॉजिट हो सकता है, स्किन के नीचे जॉइंट के आसपास, आपके जॉइंट के आसपास, और आपके एल्बोज, आपके फिंगर टिप्स, आपके ईयर्स, इन जगह पे भी डिपॉजिट हो सकता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोफस कहते हैं। इस जो गांठ है, जो छोटी छोटी गांठें हैं, उसको टोफस कहते हैं। ये टोफस एक लैटिन नाम है, इसका मतलब होता है एक तरीके का स्टोन। ये बेसिकली यूरिक एसिड का स्टोन कह सकते हैं, टोफाई कह सकते हैं, मल्टीपल हो अगर टोफाई। अगर एक पर्सन को गाउट है बहुत सालों से, तो उसको बहुत सारे इस तरह के हो सकते हैं लम्प्स, और इनको फिर आप अगर इसको लम्प में से कई बार चौकी मटेरियल भी निकल सकता है, जिसमें चौक जैसा मटेरियल अगर आप निकालेंगे तो उसमें निकलेगा। तो अल्टीमेटली आपको अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है लग रहा है तो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। टेस्ट में आपका ब्लड में यूरिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जॉइंट का एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूरिन में यूरिक एसिड, यूरिन, ब्लड, जॉइंट, ये तीन का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जरूरत पड़ने पे आपके साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट के अंदर से फ्लूइड निकाल के उसका टेस्ट होता है, उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ऐसी साइनोवियल बायोप्सी भी की जा सकती है और भी रीजंस देखने के लिए कि क्या ये वही गाउट है या और भी कोई, यही आर्थराइटिस है या और कोई आर्थराइटिस है, राइट? और बाकी यूरिक एसिड लेवल ब्लड में अगर आपका 7 या 8 के ऊपर हो, 7 mg/dL, तो वो हाई होता है। 7 या 6.8, 6.9 इतना हाई नहीं है, 7 के ऊपर 8 के ऊपर है तो हाई माना जाता है। मगर नॉट एवरी वन विथ अ हाई यूरिक एसिड लेवल डेवलप्स गाउट, यानी अगर आपका 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है तो ज़रूरी नहीं है आपको गाउट होगा ही होगा, रिमेंबर दिस। कुछ ही लोगों को यूरिक एसिड हाई होने पर गाउट होता है, सबको नहीं होता। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिक एसिड हाई हो तो एकदम डरना नहीं है, गाउट है और यूरिक एसिड हाई है तब जाके हमें आर्थराइटिस के प्रेजेंस में हमें ज़रूर उसको इंपॉर्टेंटली कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए ट्रीटमेंट में याद रखिए, यहाँ 2-3 चीज़ों का ट्रीटमेंट हो रहा है। पहले तो जॉइंट में जहाँ पे सूजन है, दर्द है, दिक्कत है, तो आपको दर्द के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन जैसे एनसेड्स, ब्रूफेन, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन या दर्द की गोलियाँ लेनी पड़ेंगी बिगिन चालू करते समय, और बीच बीच में उसको कम रखना है या रेगुलरली नहीं लेना है, नहीं तो दर्द बढ़, नहीं तो उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। कई दफ़ा उसके अलावा दवाई होती हैं जो कोल्चिसिन करके दवाई होती है, जिससे पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है, और नई स्टीरॉयड बेस्ड दवाई भी दी जाती है अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है
तो प्रेडनिसोलोन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इमीडिएट रिलीफ, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पेन थोड़े दिन में चला जाता है 12 घंटे के बाद जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू करें, ज़्यादातर केसेस में या तो 48 घंटे के बाद चला जाएगा। और दूसरे प्रकार की आज के डेट में अगर आपको आपकी गाउट के पेन ख़त्म होने के बाद आगे बना करना है कि भाई और ना आए, तो आपको यूरिक एसिड कम करना पड़ेगा। तो यूरिक एसिड कम करने की दवाएं आती हैं, उसमें कई प्रकार की दवाएं हैं, जैसे कि आपकी एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल जो जाइलोरिक और या फिर एलोप्यूरिनॉल आती है जाइलोप्रिम नाम से, फेबुक्सोस्टैट आती है जो फेबुक्सोस्टैट, और तीसरी आती है प्रोबेनिसिड। ये सारी दवाएं आती हैं, ये अपने ब्लड में यूरिक एसिड लेवल्स कम करती हैं। इनको आपको लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या डोसेज दिया गया है आपके डॉक्टर द्वारा। और इसके अलावा आपको कई दवाएं हो सकता है बार बार दिक्कत हो रही है, तो आपको ये सारी दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है अलग अलग कॉम्बिनेशन में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जॉइंट में कितना डैमेज है, आपको दर्द कितना हो रहा है, आपको टोफाई तो नहीं है, आपकी किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन तो नहीं है साथ में। लेकिन नंदलेस डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस तो आप सभी को करने चाहिए जिनको गाउट का रिस्क है, थोड़ा बहुत है, नहीं है, या फैमिली हिस्ट्री है। क्या पहला सिंपल चीज़, कट डाउन योर अल्कोहल, अल्कोहल बंद करिए या कम करिए, एब्सोल्यूट कम करिए, स्पेशली बियर। जी हाँ, बियर जो है वो आपके लिए ज़्यादा ख़राब है गाउट के लिए, तो बियर बंद करिए। कुछ प्रकार की वाइन्स अच्छी हैं, आप वाइन्स ले सकते हैं, रेड वाइन इज़ मोर बेटर, तो रेड वाइन वाइट वाइन इज़ गुड, तो वाइन्स आर लिटिल ओके अगर पीना ही है तो, पर ना पिए तो ज़्यादा बेहतर। बाकी वेट लूज़ करना पड़ेगा, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और आपको आपका रेड मीट और जो शुगरी बेवरेजेज़ है जिसमें शक्कर ज़्यादा है, उनका इंटेक कम करना पड़ेगा, वो कम खाएँ। तो शुगर गुड़ चीनी शक्कर शहद राइट मिश्री ये सब कम, मिठाई कम राइट, चाय में शक्कर वक्कर कम, और उसके बाद में आपका रेड मीट मीट चिकन तो चलो कभी कभार खा सकते हैं, मीट कम खाना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार या दो बार ऐसे खा सकते हैं, हफ्ते में रोज़ रोज़ नहीं, स्टेक स्टूक जो खाते हैं बार बार। तो उसके अलावा हेल्दी फूड्स आपको खाने हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स राइट, लेग्यूम्स, आपको शुगर फ्रूट्स भी खाएंगे तो लेस शुगर वाले खाएंगे या कम खाएंगे ज़्यादा शुगर वाले फ्रूट्स, और होल ग्रेन्स खाएंगे। उसके अलावा कॉफ़ी और विटामिन सी सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं कई लोगों को गाउट से बचने के लिए, कॉफ़ी एंड विटामिन सी। याद रखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट से एक्यूट अटैक और यूरिक एसिड लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और 6 mg पर DL के नीचे यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। 7 के ऊपर दिक्कत होती है, 6 इज़ ओके राइट, 6 से नीचे, 6 और 7 के बीच में आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें। हाउएवर आपको याद रखना है कि एक्यूट से क्रोनिक जाते हुए आपको सारी चीज़ें समझनी जरूरी है, इन्फॉर्मेशन इज़ द की, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। याद रखिए अगर ये आप नहीं ठीक करेंगे तो क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस होगा, किडनी स्टोन्स हो सकता है, किडनी में डिपॉजिट होके क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है, और हाई लेवल यूरिक एसिड से सबसे ज़रा किडनी के अलावा यूरिक एसिड बढ़ने से आपके गाउटी आर्थराइटिस, जॉइंट्स और इवन बॉडी स्किन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको डाउट है तो डॉक्टर से जाके अपना चेकअप कराइए। प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अपने ट्रिगर्स पहचानिए, अगर कोई दवा ले रहे हैं तो दवा के बारे में डॉक्टर से बात करिए, रेगुलर टेस्ट कराइए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रिवेंशन वही है, साल दो साल में अपने रेगुलर चेकअप कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, और सबसे बड़ा प्रिवेंशन है इस वीडियो के नीचे का शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल का आइकन दबाइए। अच्छा वो यहाँ है नहीं, और कोई बात नहीं, दबाइए दबाइए जहाँ हमारे चैनल पे जाके दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।